स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत में मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीज़र मतलब मापना, किस तरीके से हम लोग किसी चीज़ को मीज़र करते हैं उसके वे होते हैं, ऐसे यहाँ पे मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बताया गया कि एवरेज ऑफ सेंट्रल वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डेटा अगर आपको दिया गया, कहने का मतलब ये है कि डेटा दिया गया तो एक ऐसी वैल्यू जिससे आप पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जान पाए, आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो सेंट्रल वैल्यू होती है। उसको कैसे मीज़र करेंगे, उसके 5 मीजर्स हैं, यहाँ पे बारी बारी से 5 मीजर्स दिए गए, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से मीज़र करेंगे और सारे डिटेल में आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला मीज़र, जैसा कि बताया कि अर्थमेटिक मीन, जिसको AM बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, एक उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे देखा है कि अगर ऑब्जर्वेशंस यानी कोई वेरिएबल है, वेरिएबल दैट इज़ वेरिएट दैट इज़ एक्स, उसकी ऑब्जर्वेशंस यानी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ x1 x2 x3 .xn है, ये सारी वैल्यूज इंडिविजुअल हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन सिंपल है, किस तरीके से निकालते हैं वो मोर जनरल है, यानी सारे ऑब्जर्वेशंस को आप जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, वेल नोन रिजल्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाया है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है। जैसा कि टेबल में दिखाया गया कि नेचुरल नंबर्स यहाँ पे शो किए गए, मान चलते हैं कि नेचुरल नंबर्स या नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक इसी पर स्पेशली वीडियो अपलोड किया गया, आप उसको देख लें कि नंबर सिस्टम्स में नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे नंबर्स को आपने इंडिविजुअली जोड़ दिया और उनकी काउंटिंग की, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल एन थे, जैसा कि हम लोग AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जानते हैं कि समेसन एन यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n(n+1)/2 है, वो यहाँ पे लगाया और देखा कि n अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज या अर्थमेटिक मीन AM जो है n+1/2 आया। जैसे कि अगर आप डायरेक्टली इसको लगाना चाहें तो ये फ़ायदा क्या है कि अगर पूछा जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर से ले रहे हैं हम लोग, तो हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 5+1/2। उसने बोला कि जो भी नेचुरल नंबर लें उसमें पहले एक जोड़ दें और उससे डिवाइड 2 कर दें, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, एज ए शॉर्टकट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी 10 नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, 10+10+1/2, 30 नेचुरल नंबर की बात करेंगे, 13+1/2, ठीक है। ये देखा जाएगा, अगर कुछ भी सेकंड अगर बचाती है कुछ ट्रिक्स, तो आपको उस जरूर को याद रखें, ध्यान दें। तो अर्थमेटिक मीन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हम दोनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, टाइम आपका किल ना हो इसलिए हमने बहुत सारे स्टेप्स को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, बस केवल आपको शो करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अब इतमान से पढ़ते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एन ऑड नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखो दर्शाया है इन एरो का मतलब क्या है, इन ब्रैकेट का मतलब क्या है, वो भी बाद में समझ आएगा, कोई मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, ये खुद हमने खुद यहाँ पे दर्शाया, तो आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार गिनती, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जो नेचुरली गिनती हमने सीखी है 1, 2, 3, 4, उन गिनती को हमने लास्ट तक ले गए, तो 2n तक ले गए, कितने तक ले गए, 2n तक, यानी कि यहाँ पे गिनतियाँ जो काउंटिंग है वो 2n तक है। 2n तक में हमने देखिए जो बॉक्स में रखे हैं 2, 4, 6, 8, हमारे दिखाने का प्रयास है कि इवन है, और जो 1, 3, 5, 7 वो ऑड है, तो जितने इवन है उतने ही ऑड हैं। तो 2n है, 2n में से आधे निकाल दिए गए, तो आधे इवन बचे और आधे ऑड, तो हमें 2n के आधे n, तो ऑड हमें लेने हैं, तो ऑड यहाँ पे 1 होगा, फिर क्या 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और लास्ट वाला जो होगा 2n-1 तक। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि n नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं तो लास्ट वाला टर्म जो हमारे तक कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर यही बात को बताना था, यही बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर आप n ऑड नेचुरल नंबर लेंगे तो 2n-1 तक जाएगा, और n इवन नेचुरल नंबर लेंगे तो 2n तक जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे तो 2n नेचुरल नंबर में आधे ऑड हैं आधे इवन हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि हाफ इवन है हाफ ऑड है, खैर वो एक बात अलग है, वो एक बेसिक सी बात थी, अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हमने जो n ऑब्जर्वेशन लिए हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ा, फिर हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 2n-1 ऑब्जर्वेशन नहीं है,
लास्ट वाले टर्म को आप देखकर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं डिसाइड कर सकते कि बीच बीच में एक एक नंबर छोड़ दिया गया है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है एन। अब हमें इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे सम ऑफ एन नंबर्स का सम होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और एल का मतलब है लास्ट टर्म। तो हमने यहाँ पर बेसिकली दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लगा दें तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायरेक्टली हमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया गया तो हमने निकाला और एन स्क्वायर आ गया। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि शुरुआत के फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है। आप चाहें इसको डायरेक्टली जैसे नेचुरल नंबर का सम एन एन प्लस वन बाई टू याद किया है, एन स्क्वायर समेशन एन स्क्वायर याद किया, उसी तरीके से डायरेक्टली आप ऑड नेचुरल नंबर्स एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम याद कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे एन स्क्वायर बाई एन किया तो आंसर क्या आया, एन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को हम बाद में भी टैली करेंगे, पहले हम लोगों को क्या करना, अर्थमेटिक मीन निकालना। तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं सभी ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअली हम जोड़ते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात आई तो हम इस पावर को से कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे पावर दी गई एन माइनस वन, काउंटिंग कैसे करेंगे, पावर की वजह से हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो पहली वाली वन को हम लिखेंगे थ्री की पावर जीरो। अब जीरो से लेके एन माइनस वन तक की काउंटिंग गई, जैसे कि जीरो से लेके जीरो टू नाइन, तो जीरो टू नाइन नाइन नंबर है, टेन है, टेन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वन ना दिया जाता यहाँ से ऑब्जर्वेशन काउंट करते वन से लेके एन माइनस वन तक, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाते, एन माइनस वन नहीं होते, ऑब्जर्वेशन होते कि एन माइनस वन हो जाते ना, एन माइनस वन हो जाते। खैर ह्यूमन है, कुछ भी हो सकती, गलती हो सकती है। यहाँ पे देखें ऑब्जर्व, मतलब यहाँ पर मैं दोबारा करेक्ट करता हूँ, कर रहा हूँ अपने आप को, कि अगर थ्री थ्री स्क्वायर और थ्री की पावर एन माइनस वन होता तो वन से लेके काउंटिंग शुरू होती एन माइनस वन तक जाती, तो वन से लेके नाइन तक नाइन ही ऑब्जर्वेशन है, जीरो से लेके नाइन तक टेन ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा ये ना हो के क्या था, वन से शुरुआत थी। इस बात को बार बार हाईलाइट क्यों कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ये लगाया, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, तो आप क्या करें, आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि वन से शुरुआत हुई थी कि थ्री से हुई। तो ध्यान रखें अभी जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वन से। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो, थ्री से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जो स्टेप्स दर्शाए हैं वो स्टैटिस्टिक्स ना होके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को रिलेट करती है। देखते हैं सीरीज कैसे लगी। यहाँ पे सीरीज को लिखा, फर्स्ट टर्म हमारा पहला जो बिगनिंग जिससे हुई है वो वन है, कॉमन रेशियो दूसरे से पहले को जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, ये समान है इसलिए इसको बोला गया जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका एन पदों का योग सम जो है एस एन बराबर ए ब्रैकेट के अंदर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मीडियन या सेंटर टेंडेंसी के जितने भी फार्मूलेज या जितने भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसमें प्रोग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब तक कि आप प्रोग्रेशन नहीं आती है तब तक ये आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रोग्रेशंस का आना और उनके फार्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। अब हमने क्या किया कि एस एन को यहाँ रखा, अभी हमने केवल एस एन कैलकुलेट किया है, मतलब टोटल ये कैलकुलेट किया है। अभी हमें करना क्या है, एक्स बार दैट इज़ मीन। तो हमारा जो टोटल आया है थ्री की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन टू और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं एन। ऑप्शन से मिलान करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, बी ऑप्शन सही हो गए। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और जब भी कोई चीज़ समझते हैं उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो पांच क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपके सामने आपको करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आप क्वेश्चंस कर जाते हैं सहज तरीके से हम आपकी एक हेल्प कर देते हैं। तो ये सारे पांच क्वेश्चंस में जहाँ पर अभी हमने हाईलाइट किया है, जहाँ पर अभी रेक्टेंगल बनाया है ब्रैकेट के अंदर रखा है, वो मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि दे मे बी आंसर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर्स हैं, आप पहले सॉल्व करें, आपकी हेल्प के लिए हिंट दिया गया है, आप वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई में वो आंसर है या नहीं है, और इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस लिए थे, अभी जो क्वेश्चंस बोर्ड पे आपके सामने हैं यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि अर्थमेटिक मीन आप ग्रुप डेटा ग्रुप में, ग्रुप इन द सेंस जैसे वेरिएट के ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज जो करस्पॉन्डिंग है वो वन है। अब वन की फ्रिक्वेंसी फोर है, यानी कि वन को फोर टाइम्स कंसीडर किया गया है, एज अ ग्रुप बन गया है, चार बार वन आया है, दैट्स वाई यहाँ पे ग्रुप डेटा। टू की फ्रिक्वेंसी फाइव है,
तो टू जो है फाइव बार कंसीडर किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के केस में इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं मानते हैं, ये ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन दिया गया है, एक अननोन यहाँ पे लिया गया है फ्रीक्वेंसी y, उसको हमें निकालना है। तो जैसा कि एक हम इस पर पहले लेक्चर ले चुके हैं कि ग्रुप डेटा और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लें। हम लोग करेंगे क्या कि जो वेरिएट है और जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इतने बार कंसीडर किया गया, वन को फोर टाइम्स कंसीडर किया गया, तो वन फोर टाइम्स ऐड होगा, तो ऐड ना करके क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे वन का फोर से तो फोर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टेन आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वाई, यहाँ किया। अब हमें समेशन एक्स आई एफ आई निकालना होगा इनका सम, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम निकालना होगा समेशन एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे फाइव टेन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वाई, यहाँ पे इनका सम करेंगे फोर्टीन एटीन ट्वेंटी एट, तो यहाँ आएगा ट्वेंटी एट प्लस थ्री वाई। एज वी नो द फार्मूला एक्स बार इज द मेन समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, अर्थमेटिक मीन दिया गया 2.6। अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है समेसन एफ आई एक्स आई 28 प्लस 3 बाय अपॉन में जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम 12 प्लस वाई। इसको आपको कैलकुलेट करना है, आंसर अब आपके सामने होगा। आंसर को एक बार जरूर कंफर्म कर लें, आंसर 8 आएगा, तो कैलकुलेशन पार्ट आपका है। और इतना मैं समझता हूँ कि आप समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे और टैली कर लेंगे आंसर्स का, आर्ट जो हिंदी में बोल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एक अलग पार्ट है, मैथ्स का एक अलग पार्ट है, बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बट जहाँ पर भी कॉम्पिटेटिव और जहाँ पर लॉजिकल एप्टीट्यूड आती है वहाँ पर एप्टीट्यूड में ये एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो शॉर्टकट यहीं से निकल के आते हैं, इसलिए आप इसको कभी भी डिनाई या लाइक कहने का मतलब है कि आप इग्नोर ना करें इस टॉपिक को, ये भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्लियरली आपके सामने पढ़ते हैं। मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, टोटल पूरा स्टूडेंट 150 है, उनका एवरेज वेट 60 केजी है, उनमें से वो स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़, तो उनमें से बॉयज़ हैं, मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 55। गर्ल्स का एवरेज 55 था, बॉयज़ का एवरेज 70 केजी था, बट वो दोनों कंबाइन जब किए गए और कंबाइन किए गए तो उनकी संख्या दी गई है 150 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज जो 60 केजी था। तो अब बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, क्योंकि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को पहले बताया नहीं गया था। तो आपको इन डेटा पर इतना डेटा दिया गया है, इससे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे होंगे। अगर आप रूटीन मेथड से आते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैपिटल एक्स बार एक कम्बाइंड डेटा का मीन है, एक्स वन बार फर्स्ट टाइप के डेटा, जो जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के दिए गए, क्लासिफिकेशन किया गर्ल्स और बॉयज़, तो बॉयज़ को हम मानते हैं कि उसका एवरेज एक्स वन बार है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ जैसे कि यहाँ लिया जाए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट जो डेटा दिया गया उसके एन वन है, एक्स वन बार फर्स्ट के लिए आप मीन है, ऐसे ही जो सेकेंड टाइप का दिया गया ऑब्जर्वेशन उसका मीन एक्स टू बार है और उसके ऑब्जर्वेशन की संख्या एन टू है। तो हमें कम्बाइंड मीन निकालना है, एक सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला है एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप यहाँ पर इसको लगाते हैं तो सीधे आंसर आ जाएगा, पर यहाँ पर एन वन एन टू निकालना है। जब आप इस लगाएंगे तो थोड़ा सा इस टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग क्या करते हैं एक अल्टरनेट ऑप्शंस लेते हैं, अल्टरनेट तरीके से चलते हैं। हम यहाँ पे बॉयज़ को ले रहे हैं और गर्ल्स को ले रहे हैं और यहाँ पे कंबाइंड ले रहे हैं। बॉयज़ कंबाइंड जो एवरेज था वो 60 केजी था, बॉयज़ का 70 है और गर्ल्स का 55। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, जो कंबाइंड है, मैं दो चीज़ों को मिक्स किया गया, एप्टीट्यूड का लॉजिक है दोनों को मिक्स किया गया, तो मिक्स जो कंबाइंड है वो 60 है, बॉयज़ का
70 और गर्ल्स का 55। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मतलब डेटा कुछ और दिया सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स की जगह कुछ और यूज़ किया सकता है, ठीक है। दो टाइप के मटेरियल्स को कंबाइन किया गया, एक मिक्स मटेरियल बनाया गया, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। पानी और दूध के मिश्रण को, तो पानी की मात्रा इतनी है, दूध की मात्रा इतनी है, जब मिक्स कर दिया गया तो इतना आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, जो मिक्सचर होते हैं उस टाइप क्वेश्चंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आया, 5। यहाँ पे डिफरेंस लिया कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो जो है, अनुपात जो आया है वो 5:10। कहने का मतलब 1:2। तो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, एक सही, एक अनुपात दो आया, तो 1/3 हैं आप टोटल। तो टोटल कितना है, 1/2। तो 1/3 मतलब 50 क्या है बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स 3 में से दो हिस्सा क्या है, गर्ल्स का है, 100 क्या है, गर्ल्स हैं। तो उसने बोला रिस्पेक्टिवली, ध्यान रखना है कि बॉयज़ का गर्ल्स से चाहिए कि गर्ल्स के बॉयज़ से, तो बॉयज़ और गर्ल्स चाहिए। तो बॉयज़ 50 आए, गर्ल्स 100, कौन सा बी ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स इसको बोल सकते हैं आप, इसको ध्यान दीजिए, एप्टीट्यूड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं।